अध्याय सत्रह भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप भाग दो उद्योग एवं सेवा क्षेत्र उद्योग क्षेत्र इंडस्ट्रियल सेक्टर साठ वर्षों की झलक प्रारंभिक दौर हमारे देश में स्वतंत्रता के पूर्व उद्योगों का विस्तार सीमित था कुछ ही बड़े उद्योग जैसे जूट सूती वस्त्र लौह इस्पात सीमेंट आदि संचालित थे उस समय हमारे देश की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती थी उद्योग में भी रोजगार की दृष्टि से कुटीर उद्योग की भूमिका महत्वपूर्ण थी श्रमिकों का एक बड़ा समूह इन छोटे छोटे ग्रामीण व्यवसायों में कार्यरत था दंड आरेख सत्रह दशमलव एक को देखने से पता चलता है कि वर्ष उन्नीस सौ से 2009 10 के 60 वर्षों के अंतराल में जीडीपी में उद्योगों का योगदान 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गया इसी अंतराल में कुल रोजगार में उद्योगों की भागीदारी 11 प्रतिशत से बढ़कर 22 प्रतिशत हो गई इन 60 वर्षों के अंतराल में उद्योगों में कमी नहीं हुई है आज़ादी के पश्चात उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने कई कदम उठाए इसका प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक विकास के साथ साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था इसलिए नवीन उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा आधारभूत उद्योग जैसे बिजली खनिज धातु मशीनरी आदि पर जोर दिया गया इनकी जरूरत सभी कारखानों को होती है फलस्वरूप आधारभूत उद्योगों के सहारे अन्य उद्योग तेजी से स्थापित होने लगे इससे उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि हुई आधारभूत उद्योगों की स्थापना करना एक चुनौती थी क्योंकि इसमें विशाल पूंजी के साथ साथ लंबा समय लगता है उदाहरण के लिए बिजली उत्पादन के लिए बिजली घर पावर प्लांट की स्थापना में लगभग पाँच से दस वर्ष लग जाते हैं इसलिए ये उद्योग सरकार द्वारा स्थापित किए गए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भरता व रोजगार में वृद्धि के लिए कारखानों की स्थापना का तेजी से प्रयास किया जाने लगा वृहत या बड़े उद्योगों में लौह इस्पात बिजली घर खनिज आधारित संयंत्रों की स्थापना सरकारी क्षेत्रों में प्रारंभ की गई सुधारों का दौर उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने कई नीतियां बनाई उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्रों में उत्पादन का अधिकार छोटे उत्पादकों को दे दिया गया जैसे हैंडलूम हथकरघा से कपड़ा उत्पादन का कार्य बड़े उद्योगों को इस क्षेत्र में उत्पादन की अनुमति नहीं दी गई ताकि बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से ये उद्योग बच सकें साथ ही इन छोटे उद्योगों से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके बड़े उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली की व्यवस्था की गई और उनके उत्पादन की मात्रा निश्चित कर दी गई समय के साथ इस औद्योगिक नीति में कठिनाई आने लगी उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रणाली से जटिलता बढ़ गई और कागजी कार्यवाही में बहुत लंबा समय लगने लगा कुछ प्रभावशाली लोगों को आसानी से लाइसेंस प्राप्त हो जाते थे इससे बड़े उद्योगपतियों को लाभ हुआ लेकिन छोटे उद्योगपतियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा कुछ क्षेत्रों में बड़े उद्योगपतियों का एकाधिकार स्थापित होने लगा और इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा नहीं रही परिणाम स्वरूप तकनीकी विकास के लिए प्रोत्साहन नहीं मिल पाया एवं उत्पादन की मात्रा भी सीमित हो गई इस प्रकार प्रारंभिक दौर के दौरान उद्योग जगत में उत्पादन और रोजगार शुरू में तेजी से बढ़ा परंतु इसके पश्चात यह प्रक्रिया कई समस्याओं से घिरने लगी और उद्योगों का विस्तार धीमा हो गया सरकार द्वारा संचालित कई फैक्ट्रियां घाटे में चलने लगीं और इन्हें चलाए रखने के लिए सरकार प्रतिवर्ष सहायता राशि प्रदान करती रही उम्मीद थी कि ये फैक्ट्रियां आत्मनिर्भर हो जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं हो सका हमारी व्यवस्था में पूंजी की कमी व बेरोजगारी की समस्या हावी होने लगी सन 1990 के दशक में औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया गया और समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया गया इससे नए उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिला और कुछ वस्तुओं के आयात निर्यात में छूट दी गई औद्योगिक नीति में बदलाव से अन्य देशों के निजी उद्योगों को भारत में आने का प्रोत्साहन मिला लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त कर दी गई और बड़े उद्योगों को कुछ सुरक्षित क्षेत्रों के लिए अनुमति दी गई घाटे में चल रहे सरकारी कारखानों को सुधारने के लिए निजी लोगों को आमंत्रित किया गया प्रतिस्पर्धा बढ़ाई गई साथ ही सरकारी उद्योगों को परिवर्तन के लिए भी प्रोत्साहित किया गया जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके उदारवादी तरीके से उद्योग कल कारखाने सूचना एवं संचार क्षेत्र में निजी एवं विदेशी निवेश आमंत्रित किया गया इससे नए उद्योगों की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ